दोस्तों, अगर हम बात करें टाइपिंग की, तो हर कोई चाहता है कि हम हाई स्पीड के साथ टाइपिंग करें, चाहे वो कंप्यूटर में हो या फिर मोबाइल फ़ोन में। लेकिन अगर उस कीबोर्ड में कोई लेटर चेंज कर दिया जाए तो टाइपिंग में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है जी बोर्ड के साथ। अभी हाल ही में जी बोर्ड के कीबोर्ड में वाई की जगह जेड पहुँच चुका है और जेड की जगह वाई पहुँच गया है। ऐसी कंडीशन में टाइपिंग करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद आपको कीबोर्ड सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपको कोई भी ऐप्स डाउनलोड करके वहाँ पर इंस्टॉल करना है। आपको कई सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन को आप देखकर यहाँ पर रेटिंग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की यहाँ पर डाउनलोड करने जा रहा हूँ और इसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.3 और यहाँ पर 500 मिलियन इसके डाउनलोड हैं। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अगर ये डाउनलोड जाए उसके बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप एडिशनल सेटिंग्स में क्लिक करेंगे और एडिशनल सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कीबोर्ड और इनपुट मेथड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद उसका इंटरफेस दिख जाएगा जिसको आपने डाउनलोड किया और यहाँ पर मैनेज कीबोर्ड पर क्लिक करके आप उस ऐप्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पर आपने जिस ऐप्स को डाउनलोड किया है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर कीबोर्ड को पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा।